गाइज फाइनली आज हमारी लोकेशन है गौर सिटी टू के अंदर नोएडा एक्सटेंशन महाबुल माइव सोसाइटी के अंदर इस फ्लैट का साइज है वन टू फोर जीरो इस फ्लैट के अंदर थ्री बेडरूम टू टॉयलेट्स आइए मैं आपको दिखाता हूं इस फ्लैट के अंदर हमने क्या क्या सिविल चेंजेस किए हैं क्या क्या इंटीरियर किया हुआ है तो गाइज ये आ जाती है हमारी मैन एंट्री का कॉरिडोर तो मैन एंट्री कुछ इस तरीके से क्रिएट किया यहाँ हमारा आ जाता है एक शू रैक शू रैक के नीचे हमें काफी अच्छा एक स्टोरेज यहाँ देखने को मिल जाता है इसके साइड में हमने यहाँ बैठने का प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ हमें काफी अच्छे एक स्टोरेज देखने को मिल जाता है फाइनली आ जाता है हमारा एस एस का थ्री जीरो फोर ग्रेड का एक डोर इसके साथ हमारे आती है यहाँ पर एक एच पी अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमने यहाँ पर सिंपल सा जो है एक सेल्फ हुआ। यहां यहां एक दिया हुआ है यहाँ पर दो लाइट दी हुई है अब इसके डोर के बैक साइड में भी हमने यहाँ पर एक मॉस्किटो दिया हुआ है आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ ये आ जाता है हमारा बिल्डर प्रोवाइडेड डोर इस पर हमने क्या क्या नेचुरल वुड की लैमिनेट यूज की हुई है इसके साथ में गोल्ड कलर के स्टेप्स हैं आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ तो गर्ज फाइनली आ जाता है हमारा लिविंग एरिया तो लिविंग एरिया हमने कुछ तरीके से क्रिएट किया हुआ है लिविंग एरिया में फर्स्ट आइटम हमारा ये आ जाता जा है टीवी यूनिट तो टीवी यूनिट में हमने कलर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है लाइट वुड एंड वाइट की थीम दी हुई है यहाँ पर हमारी ये रोज़ गोल्ड कलर की नोपस हो जाती है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है और ये अपना एक ओपन स्पेस आता है ऐसे ही इसके साइड में यहाँ पर एक ओपन स्पेस अपना बॉक्स दिया जाता है इसके अंदर की हमने जो है ना अंदर लाइटिंग दी हुई है इसके साइड में जो है हमने पूरा ये लोवर्स लगाए हुए हैं इसके पीछे की तरफ हमने व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है तो गॉइज़ अब हमारा आ जाता है सिक्स सीटर सोफ़ा तो सोफे के साथ में हमने यहाँ पर जो दी हुई है ये सेंटर टेबल दी हुई है अब सोफ़े की अगर वॉल की मैं बात करूँ तो बैक वॉल में हमने क्या है मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है मोल्डिंग पैटर्न के बीच में आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइट ग्रीन कलर का जो है अपना ये पेंट आ जाता है और इसके साथ में यहाँ पर लैम्प आ जाते हैं गायज़ ये आ जाता है हमारा फॉल सीलिंग एरिया तो फॉल सीलिंग एरिया हमने क्या किया है सिर्फ सिंपल से यहाँ रखी है साइडों में दो हैंगिंग लैम्प दिए हुए हैं और बीच में हमारा ये जा आ जाता है फ़ैन ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया की बालकनी तो बालकनी हमने क्या किया है इसकी भी हमने बालकनी एक्सटेंड की हुई है ये हमारे कर्टन आ जाते हैं यहाँ पर जो विंडो थी यहाँ से हमने उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको पूरी को जो है ना हमने ड्राइंग रूम में मर्ज कर लिया है तो गायज़ ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया डाइनिंग एरिया पे हमने क्या किया है यहाँ पर क्रॉकरी कम टेम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है साइड में हमने जो है ना ये ग्लास प्रोफाइल के शटर दिए हुए हैं रोज गोल्ड कलर में अपना जो है ना ब्राउन कलर का ग्लास लगाया हुआ नीचे की तरफ आप यहाँ देख रहे हैं बेज कलर का हाई ग्लॉस कलर में जो हमने लेमिनेट यूज किया इसके साथ में रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल है ये हमने व्हाइट टोन में जो है ना टॉप दिया हुआ है ऐसे ही साइड में यहाँ पर हमने क्रॉकरी हब दिया हुआ है इसके साथ में हमने ये लेफ्ट और राइट में ओपन स्पेस दिया है और सेंटर में हमारा आ जाता है टेम्पल हमारा गाइज आ जाता है रूफ पार्ट तो रूफ पार्ट हमने जो है ना यहाँ पर सिंपल सा ही रखा हुआ है इसमें भी हमने डाउन लाइट्स और कोव लाइट्स दी हुई है यहाँ पर मल्टी कलर में ये हमारा आ जाता है गाइज एक्सटेंशन एरिया जो लिविंग एरिया में हमारा था ये ये हमारा पूरा प्रॉपर एक एक्सटेंशन एरिया आ जाता है तो गायज दिया जाता है हमारा किचन एरिया किचन एरिया हमने क्या किया है यहाँ पर ही यह हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर दिया हुआ है अब जस्ट इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक ओपन स्पेस दिया हुआ है बॉक्स वगैरह अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने पूरे लाइट वुड में पैनलिंग दी हुई है यहाँ हमारा आ जाता है रेफ्रिजरेटर तो फाइनली अब हमारा आ जाता है अंदर की तरफ वाला किचन एरिया तो किचन एरिया में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोनों साइड में वॉल हुआ करती थी तो हमने क्या किया इन वॉल को दोनों को डिसमेंटल किया है ताकि किचन का जो स्पेस है किचन की जो एंट्री है वो काफ़ी लाइट हो जाए खुली हुई हो जाए कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो किचन में हमने क्या किया ये किचन का अंदर का एरिया ये हमने नीचे की तरफ पूरा एक स्टोरेज दिया हुआ है ब्लू कलर का हाई ग्लॉस लेमिनेट के साथ इसके साथ हमने रोज गोल्ड कलर की जो है प्रोफाइल लगाई हुई है अगर मैं इस टॉप की बात करूँ टॉप पर हमने वाइट क्वार्ट्स लगाया हुआ है इसके बैक फ्लैश टाइल्स में जो हमने ये अपनी जो है ग्रे कलर में ग्रे एंड वाइट की टोन में जो है टाइल्स दी हुई है अब सेंटर पार्ट हमारा ये आ जाता है हॉब हॉब के जस्ट ऊपर हमारी आती है चिमनी चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमारे आते हैं हाइड्रोलिक है शटर ग्लास के ग्लास प्रोफाइल के इसके अंदर भी हमने लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें जो है अपना ग्लास जो है ब्लैक एंड प्रोफाइल भी ब्लैक ही है गाइस अब इसके अगर ऊपर की मैं बात करूं तो ये पूरा ही एक लॉफ्ट सेक्शन है यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है इसमें पूरा जो है हमने ग्रीन कलर के जो ब्लू कलर की जो है हमने लेमिनेट लगाई हुई है और रोज़ गोल्ड कलर की हमारी जो है प्रोफाइल आ जाती है इसके ऊपर जो है हमारी ये हैंगिंग लाइट आती है और दो हमारी यहाँ पर सरफेस लाइट आ जाती है यहाँ हमने जो है ये पूरा एक माइक्रोवेव का स्पेस दिया हुआ है ऐसे ही हमने यहाँ पर जो है प्रोफाइल लाइट दी हुई है पूरी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो। हम आ जाते हैं गाइस किचन की यूटिलिटी एरिया में तो किचन में क्या था हमारा यहाँ पर एक विंडो हुआ करती तो इसको भी हमने यहाँ से हटा के आ, और ये पूरा किचन का जो एरिया है ये पूरा हमने किचन के साथ मर्ज कर लिया है तो यहाँ पर क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारा आ जाता है वेट एरिया किचन का तो वेट एरिया में सिंक पार्ट हमारा यहाँ जाता है यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाता है इसके ऊपर भी हमारा काफ़ी अच्छा सामान आता है यहाँ हमारा सिंक के जस्ट ऊपर आ जाता है एक डिस्क एरिया और यहाँ हमारे थे पाइपिंग इसको हमने पाइपिंग को पूरा स्मार्टली कवर कर दिया है प्रॉपर तरीके से और ये और ये हमारा जाता है एक पेंट्री सेक्शन तो ये हमने यहाँ पर एक पेंट्री सेक्शन क्रिएट किया हुआ है और ये पूरी पैनलिंग है हमारी ब्लू कलर में इसमें हमारी आ जाती है लाइट्स यहाँ पर तो गायज ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट बेडरूम हमने जो किया है ये हमने नेचुरल वुड की लेमिनेट लगाई हुई है इस पर हमने साइड में ये पैनलिंग की हुई है और इसमें हमने गोल्डन स्ट्रिप्स लगाई हुई है ये हमारे लॉक से आइए मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ हमने क्या किया इसके अंदर तो गायज ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम का इंटीरियर अंदर का एरिया तो हमने क्या किया है फर्स्ट बेडरूम में ये हमारी जाती है बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस वॉर्डरूप यहाँ हमने क्या क्या ग्रे कलर की लैमिनेट रस्टिंग में जो है हमने ये लगाई हुई है इसपे इसके साथ हमने रोज गोल्ड कलर के स्टेप लगाई हुई गाइज और इसके साथ में ब्लैक कलर के हमने हैंडल्स के टोन दी हुई है इसमें और सेंटर पार्ट आप जैसे भी देखेंगे इसमें जो है ना प्रोफाइल सटर दिया हुआ हमने लाइटिंग के साथ में ब्लैक प्रोफाइल और ब्लैक ग्लास के साथ गैज अब इसके ठीक सामने हमारा आ जाता है ये अपना स्टडी एरिया स्टडी एरिया हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है नीचे हमारी जो है ये टेबल आ जाती है इसके नीचे ये ड्रॉवर आ जाती है और इसके नीचे अच्छा जो है हमें स्टोरेज यहाँ सटर के साथ देखने को मिल जाता है इसमें जो हमने लेमिनेट यूज किया है ये हमारा जो है लाइट वुड कलर का लेमिनेट और ब्लू कलर की ये आ जाती है कंट्रास्ट में और ब्लैक हैंडल आ जाता है अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमने दो हैं दो स्लैब दिए हुए हैं उसके नीचे हमने एक प्रोफाइल लाइट दिया अब इसके ऊपर हमने जो किया हुआ है यहाँ पर भी हमने दो कांच के शटर दिए हुए हैं ग्लास के और ये अपना ओपन स्पेस इस है इसमें हमने लाइटिंग का प्रोविजन दिया इसका लॉफ्ट सेक्शन में हमने पूरा जो है ये एक अच्छा खासा हमें यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाता है इसमें ब्लैक कलर के जो हमारे हैंडल्स जाते हैं ये हमारी प्रोफाइल लाइट आती है अब इसके ठीक सामने हमारा आ जाता है ये किंग एक किंग साइज का एक बेड लोअर हाइट में तो हमने इसमें क्या किया हुआ है इसमें लाइट कलर का ही हमने इसमें लेमिनेट रखा हुआ है ये पूरा और इसके साथ हमने जो है सेम पैटर्न में जो है ये स्टिप्स उठाई हुई हैं अब इसके बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने तीन ब्लॉक दे हुए हैं मोल्डिंग पैटर्न बड़े सिंपल से ये आ जाता है हमारा यूटिलिटी एरिया जो बिल्डर ने विंडो दी थी वो यहाँ पर थी जिस पोजिशन में इसको हमने क्या किया यहाँ से हटा करके इसको हमने आगे शिफ्ट किया इनफैक्ट हमने जो ये वाला स्पेस था यूटिलिटी का हाफ हमने जो है इसके साथ एक्सटेंड कर लिया बेडरूम के साथ में तो यहाँ हमें काफ़ी अच्छा एक बेडरूम का स्पेस देखने को मिल जाता है अब हम आ जाते हैं गाइज़ अपना ये रूफ पार्ट में तो रूफ़ पार्ट हमने बिल्कुल सिंपल सी रखी हुई है यहाँ पर डाउन लाइट और कोव लाइट का प्रोविजन दिया कोव लाइट हमने जो है मल्टी कलर की यूज़ की और इसके साथ हमने एक ट्रैक लाइट दी हुई है गाइज़ यह जाते हैं हमारे कर्टन टोन में लाइट एंड ग्रे के और जस्ट इसके ऊपर आ जाता है हमारा एक एसी तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम तो सेकंड बेडरूम भी हमने जो है ना सेम पैटर्न में उठाया हुआ ये हमारा कॉमन वाशरूम का डोर आता है और ये हमारा सेकंड बेडरूम का डोर है तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ इसके अंदर तो guys, ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम तो सेकंड बेडरूम में हमने क्या किया कुछ इस तरीके से ये वॉडरूप क्रिएट की हुई है हमने यहाँ पर क्या है हमारा ये डोल टोन में लेमिनेट आ जाती है हमारा कलर कॉम्बिनेशन जो लाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन इसके साथ में हमने ये रोज़ गोल्ड कलर के हैंडल दिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाता अब यहाँ पर uh, ये एंट्री थी हमारी तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको बल्कि ना करके यहाँ पर हमने एक मिनी अपना काफ़ी अच्छा इसका ड्रेसर का स्पेस यहाँ निकाला हुआ है तो इसमें भी हमने लाइट कलर की लेमिनेटी रखी हुई इसके रोज गोल्ड कलर का हैंडल है इसके साथ हमने जो है नीचे की तरफ एक स्टोरेज दिया हुआ और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है अब इसके ऊपर के अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो ये हमारा पूरा लॉफ्ट सेक्शन है तो लॉफ्ट सेक्शन हमने पूरा एंड टू एंड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर हमने पूरा लाइट कलर का लेमिनेट रखा हुआ है और इसके साथ हमारे आ जाते हैं रोज गोल्ड कलर के हैंडल तो यहाँ भी हमें काफ़ी एक अच्छा स्पेस इसको देखने को मिल जाता है लॉफ्ट सेक्शन का अब इसके ठीक सामने की अगर मैं बात करूँ तो ये अपना आ जाता है कुछ बेड का स्पेस इस तरीके से तो यहाँ हमने क्या नॉर्मली एक बेड क्रिएट किया हुआ है इसके साइड में एक यहाँ पर स्टूल जो है अपना दिया हुआ तो गाइज़ ये हमारा आ जाता है इसके साथ में अब कर्टन स्पेस इसके थीम के अकॉर्डिंग ये कटन स्पेस आ जाता है अपना और इसके जो रूफ़ है रूफ़ हमारी कुछ आ, सिंपल सी हमने यहाँ रखी हुई है क्योंकि ये रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट था तो रूम के हिसाब से हमने सीलिंग बहुत ही आ, बेसिक सी रखी हुई साइड पैनल एंड कोव लाइट हमने इसके अंदर दी हुई और डाउन लाइट का प्रोविजन दिया हुआ तो ये हमारा सेकंड बेडरूम का इंटीरियर है तो गर्ज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम तो मास्टर बेडरूम में भी हमने सेम पैटर्न उठाया हुआ आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने क्या क्या इंटीरियर किया इस बेडरूम के अंदर तो गैस फाइनली हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर तो मास्टर बेडरूम में हमने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ आइए ये आ जाता है हमारा वार्ड्रोप सेक्शन तो वाड्रोप सेक्शन कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन रखा है ब्लैक एंड वाइट का मार्बल लुक में हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है ये हमारे जाते हैं गाइज़ रोज गोल्ड कलर के हैंडल ये हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज वॉडरूब का यहाँ देखने को मिल जाता है अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी सेकंड बेडरूम में दिखाया था सेम पैटर्न यहाँ पर भी हमने जो है ना यूज़ किया हुआ है यहाँ पर साइड में हमने ड्रेसर दिया हुआ है इसके अंदर जो काफ़ी अच्छा हमें स्टोरेज देखने को मिल जाता है इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने सी लाइट दी हुई है अब इसके नीचे हमने यहाँ पर जो है ना स्टोरेज दिया हुआ है ड्रॉर जो ड्रेसिंग से रिलेटेड आइटम है वो आप रख सकते हैं अब ऐसे ही इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पूरा ही एक लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है इस लॉफ्ट सेक्शन में जो है हमारा एक काफ़ी अच्छा स्टोरेज यहाँ हमें देखने को मिल जाता है अब इसके साथ में जो हमने हैंडल्स लगाए हुए हैं रोज़ गोल्ड एंड ब्लैक के टोन में लगाए हुए हैं तो गाइज़ अब हमारा आ जाता है ठीक इसके पास में ये एक बेड कोइन साइज तो बेड क्या है हमने ये फाइव बाई सिक्स का रखा हुआ है यहाँ हमने सेम पैटर्न जो है ना बोर्ड में लगाया हुआ है इसके साथ हमारी ये रोज गोल्ड कलर की स्ट्रिप जाती है ये लाइट ग्रे कलर का हमारा एक फैब्रिक आ जाता है साइड में भी हमने जो है ना ब्लैक कलर की लेमिनेट लगाई हुई है दोनों तरफ हमने साइड टेबल दी हुई है अब ठीक इसके सामने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारा जाता है एक मिनी टी वी यूनिट्स तो टी वी यूनिट्स में हमने क्या किया है यहाँ पर ये ड्रॉ सेक्शन दिया हुआ है ये अपना एक ओपन स्पेस दिया हुआ है ये हमारा सेल्फ आ जाता है यहाँ पर हमने जो है ना फ्लोटिंग जो है ना अपना पूरा एक लूवर्स क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर जो है राफ्टर और ये साइड में जो है ना इसके लेमिनेट लगे हुए मार्बल लुक में इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये शेल्फ आ जाता है इसमें हमारी आती है लाइट्स जो मास्टर बेडरूम की विंडो थी वो यहाँ हुआ करती थी जो डेवलपर ने दी थी तो हमने यहाँ से हटा कर इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया हमने तो ये मास्टर बेडरूम का जो स्पेस था वो काफ़ी जो है ना एक्सटेंड हो चुका है यहाँ पर तो ये रूम में वार्डरोब एक्चुअली अलग से थी दी हुई तो रूम में वार्डरोब आने के बाद में रूम का जो स्पेस था वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लगने लगा था तो हमने क्या किया है यहाँ पर इसको वॉडरूप इसको जो है अपने बालकनी का एरिया बेडरूम के अंदर ले लिया तो इससे क्या है बेडरूम का जो है एरिया खुल गया ये हमारे जाते हैं गाइस कर्टन यहाँ पर जो है इसके ठीक ऊपर हमारा जाता है एसी एसी के ऊपर जो रूफ़ है हमारी ये हमने काफ़ी सिंपल से दी हुई है यहाँ पर हमने सिर्फ ओनली डाउन लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और कोव लाइट्स का मल्टी कलर की जो है इसके अंदर ही आ जाता है हमारा अपना वॉशरूम का डोर तो इस पर भी हमने सेम पैटर्न उठाया हुआ आइए मैं आपको वाशरूम के डोर अंदर दिखाता हूँ वाशरूम के हमने क्या क्या किया हुआ है गाइस तो वॉशरूम में हमने काफ़ी सारे इसके अंदर सिविल चेंजेस किए हुए हैं जैसे कि हमने ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ ये पूरा एक वैनिटी है अंडर स्टैंड के यहाँ पर जो है ना अपना पूरा एक बेसिन लगाया हुआ है इसके ऊपर हमने एक पूरी वैनिटी दी हुई है स्टोरेज के हिसाब से इसके पीछे भी हमारा काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर क्या था ये अपनी सॉफ्ट एरिया को हमने जो है ना डिसमेंटलिंग करके इसके साथ मर्ज कर दिया तो जो हमने शावर एरिया हमारा यहाँ पर जो पैनल हमने लगाया हुआ ये यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे स्पेस शावर एरिया को देखने को मिल जाता है तो काफ़ी जो वाशरूम है अपनी काफ़ी स्पेसिस यहाँ पर नज़र आ रही है और रूफ में हमने जो है ना ये पूरी सीलिंग की हुई है दो लाइट्स लगाई हुई है यहाँ पर जो हेलो गाइस ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं ये भैया जो हैं बाकी ये भैया बताएंगे आपको हमारे को इन्होंने कैसे संपर्क किया और कैसा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा तो जब हमने फ्लैट लिया था तो हम बड़ा कंफ्यूज थे इंटीरियर को रिगार्डिंग लेके तो हमने यूट्यूब पर सर्च करा बहुत ज़्यादा कि कहाँ से देख सकते हैं हम कैसे ले सकते हैं तो हमें अली इंटीरियर करके एक पेज मिला था हमने उसको देखा वीडियोस देखी तो बहुत अच्छा काम लगा हमने कांटेक्ट करा उनकी वीडियोस में जो नंबर था कांटेक्ट करने के बाद हमने ऑन साइट भी विजिट करे उनके प्रोजेक्ट्स काम अच्छा लगा बजट में आया तो हमने उनसे कांटेक्ट करा और फिर हमारी फर्दर हमारी जो डिटेल्स हमने शेयर करी फिर हमारा काम हुआ और बहुत अच्छा है हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है काम देखने के बाद आप देख ही सकते हैं वीडियो में और कॉमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको हमारे घर का काम किया हुआ भैया के थ्रू थैंक यू थैंक यू सर तो गाइज़ फाइनली uh, आपने वीडियो देखी होगी आई होप आपको अच्छी लगेगी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कमेंट्स करें एंड शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इजीली uh, मिल सके बाकी कुछ भी अगर क्वेरी आपको चाहिए तो हमारे डिस्प्ले पे नंबर मेंशन है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू